ये वन वन मैं हूँ कुनमिन में। अभी जस्ट अभी मैं अराइव्ड हुआ शंग्रीला से, और शंग्रीला से मैंने लिज्जांग के लिए ट्रेन ली थी, और लिज्जांग से कुनमिन के लिए स्लीपिंग ट्रेन ली थी। तो मैंने पूरी जर्नी रिकॉर्ड नहीं की थी, बिकॉज मैं पूरी जर्नी को रिपीट नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने रिपीट नहीं किया। बाकी अभी यहाँ से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ कुनमिन से टोंग ग्रीन के लिए। तो हमारी दो पार्ट में जर्नी होने वाली है। हम लोग कुनमिन से गुयांग जाएंगे और गुयांग से टोंग ग्रीन जाएंगे। तो अभी देखते हैं अगर मेरे को ट्रेन टिकट मिल जाता है कि नहीं। ये वन वन यहाँ पे आप लोग ऊपर साइन देख रहे हो ट्रांसफर का, तो हम लोग यहाँ से ट्रांसफर लेने वाले हैं। मैं यहाँ से एग्जिट नहीं लूंगा, यहाँ से डायरेक्टली ट्रांसफर लेके हम लोग कुनमिन ट्रेन स्टेशन जाएंगे और वहाँ से अपन अपनी टिकट करवाने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है अपना। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने कुनमिन से गुयांग की टिकट ले ली है। जो टिकट हम लोगों को पड़ा है 186 युआन का, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 186 युआन का मतलब हो गया अपने 2,500 रुपये के आसपास। तो ठीक है, अभी यहाँ पे 7 बजे हमारी ट्रेन है, यहाँ से 7 बजे चलेगी एग्जैक्ट 7 बजे। अभी 5:30 बज रहे हैं, तो तब तक थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। आप लोगों को दिखाई जाएगी यहाँ की जर्नल ट्रेन जर्नी। आप लोगों को मैंने यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन जर्नी दिखाई, यहाँ की स्लीपर ट्रेन जर्नी दिखाई। अगर आप लोगों को मेरी शंग्रीला से कुनमिन की ट्रेन जर्नी देखनी है, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैंने इसकी जर्नी डाल रखी है। मैं यूट्यूब पे नहीं डालने वाला हूँ, बिकॉज सेम चीज़ें मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो इस बार हम लोग जनरल ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, तो आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस जाता है। और आप लोग एंड तक इस जर्नी में बने रहिएगा मेरे साथ में। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बिल्कुल रूरल चाइना में। आप लोगों को मैं थोड़ा सा हट के एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ इस बार। आप लोगों को बताने वाला हूँ रूरल चाइना किस तरीके से दिखता है, और आप लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। भाई ये बुजुर्ग अंकल मेरे को बोलता है कि यार मेरे को ये उठाने में हेल्प कर दे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अंकल की हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी एज्ड अंकल हैं, तो ये इनके पास ये सामान है यहाँ पे चाइना में, ये लोग ये लेके घूमते हैं और ये कट्टे वट्टे उठाते हैं। ओके अभी अंकल इसमें डाल लेगा और लेके जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यार अंकल। अभी देखना अंकल ये जो ये व्हीकल लेके आता है ना अपना, इसके अंदर डाल के लेके जाएगा। तो चाइना में मैंने ये काफ़ी देखा, सब लोग ना इस तरीके का एक चार पहिए का व्हीकल लेके घूमते हैं, उसके अंदर अपना लगेज लेके आ जाते हैं। देखो बढ़िया है। ओके अच्छा लगा यार यहाँ पे। और बाकी ये है यहाँ का कुनमिन का ट्रेन स्टेशन है, जो कि आप लोग देख लो काफ़ी बड़े ट्रेन स्टेशन होते हैं यहाँ पे। आप लोग इस तरीके से चेक इन बने रहते हैं, हर ट्रेन का अलग चेक इन नंबर रहता है। और ये देखो 3B 5B, इधर आप लोगों को सारे अलग अलग चेक इन देखने को मिलेंगे। चाइनीज जो ट्रेन स्टेशन है ना, वो एयरपोर्ट से कम नहीं होते, यहाँ पे सारी फैसिलिटी रहती है। आप लोगों को यहाँ पे खाने की फैसिलिटी मिल जाएगी, ये देखो अंदर की साइड मेडिसिन भी मिल जाएगी आप लोगों को। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो, बाकी शायद दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर बाहर जो बोर्ड रहता है वहाँ सब लिखा रहता है, और ये आपका चेक इन वगैरह बता देंगे यहाँ पे। गाइस लिटरली बोल रहा हूँ यार, बहुत लंबी ट्रेन जर्नी थी। मतलब मैं रात को कब चला था, रात को 4:30 बजे चला था, मैं कल शाम को 4:30 बजे चला था, और अभी 5:30 बज गए, मेरे को ऑलरेडी 12 घंटे हो गए हैं। अब यहाँ से गुयांग का मेरे को ट्रेन से लगने वाला है 8:30 घंटे के आसपास, और फिर वहाँ से 2 घंटे का लेओवर है, और फिर 4:30 बजे मेरी ट्रेन है वहाँ से टोंग ग्रीन के लिए। तो टोंग ग्रीन का लगने वाला है बुलेट ट्रेन से 2.5 घंटे के आसपास लगने वाला है। तो काफ़ी लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है, और पूरा लगभग 24 घंटे हम लोग ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। और इसके अंदर मैंने कम से कम स्पेंड कर दिए 7,000 से 8,000 रुपये पूरी ट्रेन जर्नी शंग्रीला से टोंग ग्रीन तक जाने के लिए। अगर आप लोग चाइना में आते हो ना, तो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। बट ठीक है यार, अगर आपको अच्छी फैसिलिटी भी दे रहे हैं ना, तो ठीक है, पैसे देने में कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है। बिकॉज आपको बुलेट ट्रेन जहाँ पे आए 7-8 घंटे लगते हैं, वहाँ पे बुलेट ट्रेन 1.5 घंटे में आप लोगों को पहुँचा रही है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी खाने का मैं लेके चला था, फ्रूट वगैरह लेके आया था। तो अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ चाइना की जनरल ट्रेन जर्नी, कैसे जनरल कंपार्टमेंट कैसे होते हैं चाइना के। आपने इंडिया में तो देखे होंगे भाई साहब, इतनी भीड़ रहती है, ख़तरनाक वाली भीड़ रहती है। चाइना में जनरल कंपार्टमेंट में कैसा सफ़र रहता है, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। आपको अगर पता नहीं है तो हमारा फेसबुक पे भी पेज है,
तो आप लोग फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ, कुछ चीज़ें मैं फेसबुक पे डालता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो गाइज़ अभी ये ख़रीदा था बाहर से, ये मुझे 5 युआन का पड़ा है। 1 5 युआन का मतलब अपने 55 रुपये के आसपास हो गया, तो ठीक ठीक है, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। इसमें क्या चावल है, चावल को पानी में डाल रखा है और मीठा मीठा लग रहा है, मीठा मीठा टेस्ट आ रहा, तो काफ़ी टेस्टी है। इसमें राइस के पीसीस भी हैं, इसमें गेहूं के दाने भी हैं। इसमें मुझे लग रहा है दोनों चीज़ें मिक्स हैं, गेहूं और सोयाबीन और चावल, ये सब मिक्स करके रखा हुआ, जो आप लोग अगर एक भी पी लोगे ना तो दोपहर तक आपका काम चल जाएगा। पैनम बेस्ट पार्ट यही है, आप लोग इस तरीके की ड्रिंक काफ़ी सारी बाहर देखने को मिल जाएंगी, 3 युआन 4 युआन, तो यहाँ पर मुझे 5 युआन की मिली है, जो कि ठीक ठीक है, 55 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है, मतलब पेट भर जाएगा मेरा इससे। तो गाइज हम लोग फाइनली ट्रेन स्टेशन में आ गए, आप लोग ये कोच देख रहे हो, ये सारे के सारे स्लीपर ट्रेन कोचेज हैं। आज हम लोग चाइना की ग्रीन ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, देख लो अंदर से स्लीपर ट्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है, और यहाँ पे हर डिब्बे के बाहर ये टीटी बाहर चेक करता रहता है। तो गाइज देख रहे हैं यहाँ पे टीटी चेक कर रहा है और इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, तो लोग अपनी लाइन से जा रहे हैं और अपनी टिकट चेक करवा रहे हैं। तो गाइज़ देख लो हमारी जो सीट है कुछ इस तरीके से होने वाली है, इसको बोलते हैं हार्ड सीट, तो 70 नंबर सीट है हमारी, 70 70। तो गाइज़ फाइनली हम लोगों ने सीट ले ली है, और हमारे जो साथ के को पैसेंजर हैं काफ़ी बढ़िया है, बंदे ने भाई मेरी आते हेल्प की है, बोल रहा है कौन सी सीट है, तो उसने मेरे को अपनी सीट नंबर बताई, और फिर जो मेरा बैग था उसको भी रखा इसने, तो ठीक है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे आप लोगों को। थोड़ी ये हार्ड सीट है, यहाँ पे भी आप लोगों को है ना जो चेयर कार रहती है उसमें 2 तरीके की सीटें देखने को मिलने वाली है, एक हार्ड सीट एक सॉफ्ट सीट। हार्ड और सॉफ्ट का किराया ऑलमोस्ट सेम है, और स्लीपर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को अराउंड 100 और 120 युआन का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। ट्रेन दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से दिखती है, ये हमारे को पैसेंजर्स हैं भाई। अभी ये जो मेरे बगल में अंकल बैठा है ना, ये पुलिसिया है, तो ये मेरे को ऐसे बोल रहा था कि इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशन कैसा है, तो मैंने कहा भाई अच्छा रिलेशन है, दोनों कंट्री के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अच्छे रिलेशन है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते। अब इनको क्या बताऊँ भाई क्या चल रहा है, डिप्लोमेटिक चीज़ें तो यार हर कंट्री में चलती है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि ये कंट्री खराब है या वो कंट्री खराब है, हम अपनी जगह ठीक है, ये लोग अपनी जगह ठीक है। तो इन ये लोग भी मतलब मेरे को जो लगा, ये लोग भी क्यूरियस हैं जानने के लिए कि भाई जो भारत के लोग हैं वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, तो मैंने कहा अच्छा सोचते हैं सब लोग, किसी के मन में नेगेटिविटी है नहीं, तो ये चीज़ अच्छा है ना लोगों को, हम लोग अपने हिसाब से पॉजिटिविटी दिखाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर की कंट्री में हो तो आप अपनी कंट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। भाई फाइनली एग्जैक्ट 7 बजे हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से चल दी है, देख लो भाई 7 बजे हैं और एग्जैक्ट टाइम पर ट्रेन चल दी है भाई, ये लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल है भाई आप लोगों को। और मैं आपको बता रहा था ना बाहर इन्होंने एक रेलिंग सी बना रखी जिस जो बंद कर दी है, सही है यार, मुझे सही लगा, ये लोग टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, इसीलिए ट्रेन है ना 1 मिनट ना तो लेट होती है ना 1 मिनट जल्दी आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचती है ट्रेन। कैसे टिटी देख रहे हो आप लोगों को बता रहा है टिटी, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है वहाँ तक। अभी कोई ट्रेन स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे टीटी आप लोगों को ना पूरे एक एक कोच में आके बोलेगा कि भाई आपका स्टेशन आने वाला है, फिर सारे लोग उतरेंगे। अभी सारी भीड़ उतरी थी ना शांगवोई ट्रेन स्टेशन में उतरी थी, जो कि पूरी लगभग पूरी ट्रेन खाली हो गई, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, पूरी ट्रेन खाली हो गई यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे थे सारे के सारे नीचे उतर गए और इधर भी खाली हो गया। मैं थोड़ा सा बाहर चलते हैं,
ये देखो ये शांगहाई ट्रेन स्टेशन है, काफी बड़ा ट्रेन स्टेशन है और ये नए पैसेंजर चढ़ने वाले यहाँ से। काफी खूबसूरत सिटी है यार, यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है। ये देखो टूटे फूटे घर देखने को मिल जाएंगे आप लोगों के, मतलब ये जो सिटी है ये ज्यादा कुछ खास है नहीं, बिकॉज आसपास मैंने देखे थे पास के जितने भी गांव थे ना, आप लोगों को पुराने पुराने घर देखने को मिलेंगे। ओके अंकल बोल रहे अंदर जाओ, सिग्नल दे दिया। ओ देखो भाई, एक्चुअली ना पूरे रास्ते में आप लोगों को छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे और इस एरिया में आप लोगों को ग्वांगशिंग प्रोविंस के अंदर मैक्सिमम जो गांव है वो मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो इधर यूनान प्रोविंस का जो नीचे का पूरा गाँव है ना वो छोटे छोटे गाँव छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे। ये भाई मुझे देख रहा है, कर क्या रहा है। फाइनली अराइव्ड इन गुयांग ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ से अब मुझे एक्चुअली गुयांग ट्रेन स्टेशन और गुयांग इस ट्रेन स्टेशन में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों के बीच में अराउंड 14 किलोमीटर का डिफरेंस है, बिकॉज ये जो गुयांग है यहाँ पे स्लीपर ट्रेन आती है, जो स्लीपिंग ट्रेन आती है, और जो गुयांग ईस्ट है वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेनें आती है, तो हमें वहाँ पे जाना है, तो देखता हूँ बाहर से मुझे अगर बस मिल जाती है तो नहीं, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं भाई। फिर 4:30 बजे ट्रेन है तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और कुछ खाना पीना भी है यार। तो गाइस फाइनली ये देख लो, ये गुयांग ट्रेन स्टेशन है, इसका नाम गुयांग है, गुयांग ईस्ट और वेस्ट दोनों बुलेट ट्रेन स्टेशन है, ये सिर्फ स्लीपिंग ट्रेन स्टेशन है, और जैसे ही आप लोग सिटी के ट्रेन स्टेशन के बाहर निकलोगे तो आप लोग यहाँ पे बसें मिल जाएंगी, तो ये बेस्ट पार्ट है, मुझे चाइना का यही सबसे बेस्ट पार्ट लगा, आप लोगों को यहाँ पे बस स्टेशन जस्ट सामने देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रेन स्टेशन काफी बड़ा है, देखो मैं आप बता रहा था ना गुयांग ट्रेन स्टेशन है, ये देखो ये गुयांग रेलवे स्टेशन है, और गुयांग ईस्ट और वेस्ट दोनों अलग ट्रेन स्टेशन है जो कि बुलेट ट्रेन स्टेशन है। तो मैडम ने मुझे बताया कि 272 बस नंबर जाएगी, तो अभी देखते हैं 272 बस नंबर कौन सी है। तो गाइस फाइनली उधर से हार्डली 2 मिनट की वॉक पे मैं यहाँ पे, और बसें खड़ी रहती है 65 नंबर 1 नंबर, यहाँ पे काफ़ी सारी बसें खड़ी रहती है, तो ये मेरे को बोर्ड मिला है यहाँ पे 272 नंबर बस जाने वाली है, और जिसका एंड पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट गुयांग ट्रेन स्टेशन, तो वेट करते हैं अपनी बस का और निकलते हैं फटाफट से। ये डबल डेकर बसें देखने को मिलेंगी आप लोगों को यहाँ पे, और हर बस के ऊपर है ना इस तरीके से क्यूट क्यूट सी पेंटिंग और स्टिकर चिपका रखे जो कि काफी कूल लगते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा बैंक है जो यहाँ का बैंक ऑफ चाइना। आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप चाइना ट्रेवल करने के लिए आ रहे हो और करेंसी एक्सचेंज करवानी तो पूरे चाइना के अंदर आप सिर्फ बैंक ऑफ चाइना में करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, आप लोगों को पूरे चाइना में कहीं भी बाहर करेंसी एक्सचेंज शॉप नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ चाइना ही आप लोगों की करेंसी एक्सचेंज करेगा, दूसरे बाकी सब बैंक बोलेंगे बोले जाओ बैंक ऑफ चाइना में, बैंक ऑफ चाइना में। फाइनली हम लोग गुआंग डोंग ट्रेन स्टेशन पहुंच गए, और ये मैंने बाहर से नूडल और बिस्किट्स लिए हैं, वेजिटेरियन नूडल्स हैं ये, तो काम चला लेंगे, बाकी मेरे पास फ्रूट्स भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये सामने ट्रेन स्टेशन देख लो, अभी बारिश जैसे मौसम हो रहा है। भाई मैंने खाने पीने के तुले ले लिया है, अब फटाफट से एंट्री लेते हैं और बैठते हैं फुर्सत से और कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह खाया था, उसके बाद में कुछ खाया नहीं मैंने, तो मुझे भूख लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छा यार इन्होंने जो ये ट्रेन स्टेशन है ना बिल्कुल सिटी के बाहर बना रखा है, तो काफ़ी खूबसूरती से बनाया है इन्होंने। ये देखो इधर आप लोगों को कुछ इंस्टॉल शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ पे आप लोग कुछ खा पी सकते हो, और वो सामने की साइड में कुछ अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, और ये सामने ट्रेन स्टेशन है। अच्छा है ट्रेन स्टेशन, काफ़ी अच्छा है। तो गाइज फाइनली हमारी ट्रेन की बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे देख लो लोगों ने लाइन लगा दी है, तो अभी फटाफट से चलते हैं और बोर्डिंग करते हैं। और फाइनली भाई थक गया, पूरी लास्ट ट्रेन लेनी है, अब लास्ट ट्रेन लेके जाके पढ़ूंगा सोऊंगा, अभी तो होटल का ठिकाना नहीं, बिकॉज बहुत छोटा सा टाउन है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं कि हम लोगों को होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा स्टेशन, अगर आपने मेरा पिछली बार का वीडियो देखा होगा ना, हम लोग मियाओ विलेज गए थे, तो सबसे पहले हम लोग केली रुके थे। आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जगह पे मैं और कैलाश घूमने आए थे, जो कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है चाइना के अंदर। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है केली, यहाँ पे आप लोगों को एक अलग ही वाइब महसूस होगी, तो आप लोग सजेस्ट करो कभी चाइना हो तो आप लोग इस जगह पे आ सकते हो, काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। और यहाँ से दो स्टेशन और आएंगे और उसके बाद में हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। वेस्ट फाइनल टोंगरिंग स्टेशन पहुंच गया भाई, पूरे 48 घंटे की लॉन्ग जर्नी थी भाई, बहुत टाइम होगा। कल मैं कब निकला था, 12 बजे निकला था, और आज जाके पहुंचा यहाँ पे। टोंगरिंग यही है शायद, टोंगरिंग देखते हैं। अब बाहर निकलता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ भाई सही जगह उतरा हूँ कि नहीं। आज का तो मेरा दिन ही ख़राब है, मेरे को जाना था टोंगरिंग, और ये टोंगरिंग नान करके कोई ट्रेन स्टेशन है 60 किलोमीटर पीछे की साइड में। तो मैंने जब उनसे पूछा वहाँ पे जो पैसेंजर थे, तो बोले कि वो यही है टोंगरिंग स्टेशन, तो उन लोगों ने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये टोंगरिंग स्टेशन नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन है टोंगरिंग। तो अब मुझे 10 बजे एक ट्रेन आएगी जो कि शंघाई से आएगी, उसका वेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं टोंगरिंग पहुँचूँगा। मुझे टेंशन ही हो रहा है मैं होटल कैसे जाऊंगा, बिकॉज जो हॉस्टल देखा था वो 7 किलोमीटर था। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के जस्ट बाहर में कोई एक्सपेंसिव होटल बुक करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है मेरे पास। कोई नहीं, अब देखते हैं जैसा रहेगा वैसा आप लोगों को बताऊंगा। बाकी बहुत बैड एक्सपीरियंस है भाई, मैं बुरी तरह से थक गया, कल चला था मैं और आज रात हो गई है, लगभग मुझे है ना 30 घंटे से ऊपर हो जाएंगे यहाँ पर सफ़र करते हुए ट्रेन में। चलो कोई नहीं भाई, ये ट्रैवल है, ट्रैवल में ऐसा एक्सपीरियंस होता रहता है। तो अभी 10 बजे तक वेट करना है, अभी तो 6:30 ही बजे हैं भाई, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, ओह माय गॉड 10 बजे तक। फाइनली अपने होटल में पहुंचा हूँ, ये छोटा सा एक कमरा है, तो आप लोगों को थोड़ी स्टोरी बताता हूँ मैं। तो मैंने ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आया, फिर वहां मेरे को यहाँ पे क्या मेरा होटल नहीं मिला, तो मैंने पुलिस वाले से हेल्प मांगी, तो पुलिस वाले ने फिर मेरे को पुलिस स्टेशन में बिठाया, होटल वाले को फ़ोन किया, वो मुझे लेने आया, तब जाके मेरे को मेरा रूम मिला है। बाकी आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, मैं 12th फ्लोर पे रह रहा हूँ, बाहर का कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके से है, और ये छोटा सा मेरा रूम है यहाँ पे, काफ़ी छोटा सा है, और ये है, और ये काफ़ी मेरे को यहाँ पे टॉवल वगैरह भी दिए इन्होंने। तो गाइज मेरे को जो रूम पड़ा है ये 1800 का पड़ा है, यहाँ पे मैंने इसके पे किए हैं 140 युआन के आसपास पे किए हैं, जो कि काफ़ी महंगा है, पर ठीक है यार, अब कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी रात के 11 बज गए हैं। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।